देखिए दोस्तों हम आ गए हैं फटाफट सैम के पेड़ के पास। देखिए देखिए कितनी प्यारी प्यारी सैम लगी हैं, हम फटाफट तोड़ लेते हैं। देखिए देखिए इस तरह से सैमों को तोड़ लेते हैं, जल्दी जल्दी से तोड़ो सैम को। तोड़ रहे हैं सैम। इतनी प्यारी प्यारी सैम लगी, मार भी नहीं रहे हम फिर भी सैम मन घोट। तो फिर देखिए दोस्त सैम को तोड़ लेते हैं हम इसी तरह से सारी सैमन को। तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ से सैम को भी तोड़ लेते हैं। देखिए देखिए कितनी प्यारी प्यारी सैम है और कितनी कड़क भी हो चुकी है। देखिए बीजा भी मस्त हो चुके हैं सैम में। तो फिर देखिए दोस्तों ये हमारी सैम घर पर ही लगी हुई है। आज हम सैम की सब्जी जो बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ताजी सैम है। देखिए आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि हम किस तरह से तोड़ रहे हैं। बिल्कुल ताजी सब्जी है, ताजी सैम हमारे घर पर ही लगी है, हम बाजार से नहीं लाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से तोड़ लेते हैं। कितनी फरी हुई है सैम हमारी, आप लोग देख ही रहे होंगे इस तरह से हम सैम को तोड़ लेते हैं। ऊपर तक जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी पूरी सैम फर चुकी है हमारी। आप लोग देखिए कहाँ तक आपकी निगाह जा सकती है। देखिए दोस्तों कितनी सारी सैम को हमने तोड़ लिया है, अभी और लगी हुई है। अब इनको भी तोड़ते हैं इस तरह से, यहाँ से पट्टी पर चढ़ते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों हम आ गए हैं ऊंची जगह पर सैम को तोड़ने के लिए, यहाँ पर पट्टी पर। यहाँ से भी सैम को हम तोड़ लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ से भी तोड़ लेते हैं। ये सैम है कितनी प्यारी प्यारी सैम है, इस तरह से हम बैठकर ही सैम तोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों सैम, देखिए दोस्तों हम कितनी ऊंची पर आ गए हैं सैम को तोड़ने के लिए, आप लोग देख ही रहे हैं। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हमने सैम को तोड़ लिया है, और देखिए कितनी सारी सैम को हमने तोड़ लिया है, इतनी सारी सैम को हमने तोड़ लिया है, और भी तोड़ते हैं इसी तरह से। तो फिर देखिए 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 देखिए, तो देखिए दोस्तों हमने इतनी सारी सैम को तोड़ लिया है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी सारी सैम है हमने, और हम फटाफट इनको छीन लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों अब इस तरह से हम सैम को तोड़ लेते हैं, कितनी सारी सैम है, इस तरह से हम सैम को छीन लेते हैं फटाफट और तोड़ लेते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों किस तरह से हम तोड़ लेते हैं, इस तरह से देखिए जो दोस्तों झटपट झटपट हम तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं सैम को, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम कितनी जल्दी जल्दी बनाने जा रहे हैं सैम को। दोस्तों इस तरह से हम छील लेते हैं, और देखिए कितने प्यारे प्यारे बीज निकल आए हैं। देखिए दोस्तों बीजादार सैम हो चुकी है हमारी ये बीजादार। और देखिए दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी सैम लग रही हैं, बीजे पड़ गए हैं हमारी सैम में और बीजादार सैम बहुत ही अच्छी लगती है आप लोगों को। हमको तो बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को कैसी लगती है ऐसी बीजादार सैम? तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हम पानी को और सैम को साफ कर लेते हैं। तो पानी को हमने डाल दिया, इस तरह से अपने हाथों से इस तरह से सैम को साफ कर लेते हैं। इस तरह से सैम को साफ कर रहे हैं इस तरह से, और सैम को थोड़ा हाथों में ले लेते हैं ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए इस तरह से अपने हाथों से। और इस प्लेट में हम साइड में रख लेते हैं, सैम को हम साफ कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट में हम रख लेते हैं, सारे सैम को साफ कर लेते हैं इसी तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से हम गैस को चालू कर लेते हैं और माचिस से गैस को जला लेते हैं। गैस को हमने चालू कर लिया और सबसे पहले हम कढ़ाई को रख देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों कढ़ाई को हम इस तरह से
रख दिया है हमने थोड़ा। अब हम डालते हैं तेल को, तो इस तरह से तेल को हम डाल लेते हैं कढ़ाई में, हमने तेल को डाल दिया है। तो फिर देखिए दोस्तों तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब डालते हैं हम उसमें लहसुन। तो फटाफट हम लहसुन को डाल देते हैं इस तरह से, लहसुन को हमने डाल दिया है। और अब डालेंगे थोड़े से जीरे। तो फिर देखिए दोस्तों जीरे को भी हमने ले लिया, थोड़े से जीरे, जीरे को भी हमने डाल दिया है। और अब डालते हैं हरी मिर्चा, तो हरी मिर्चा को भी हम डालते हैं। प्याज, तो फिर देखिए दोस्तों प्याज को भी हम डाल देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों अब चला के कर लेते हैं हम प्याज की फ्राई इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों थोड़े से पत्ते डाल देते हैं गरम मसाले वाले, तो हमने पत्तों को भी इसी तरह से डाल दिया है कढ़ाई में। और चला लेते हैं, गरम मसाले को हम डाल देते हैं इसी में, तो थोड़े से खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं। तो देखिए दोस्तों हमने प्याज की अच्छे से फ्राई कर ली है, और अब डालते हैं हमने जो सेम है साफ की थी, और हम सेम को भी इसी में फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम सेम को डाल देते हैं। और अब इस तरह से हम चला रहे हैं, इस तरह से चला के हम कर लेते हैं सेम की फ्राई। सबसे पहले हल्दी, तो हल्दी को लिया है हमने, और एक चम्मच हल्दी को हम डाल देते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों अब डालते हैं हम धनिया, किसी वाले धनिया को डाल देते हैं इस तरह से। धनिया को एक चम्मच लिया है हमने, और एक चम्मच और दो चम्मच धनिया यानी कि हमने डाल दी है हरी मिर्ची। तो फिर देखिए दोस्तों मिर्ची को भी हम डाल देते हैं, एक चम्मच मिर्ची को लिया है हमने, एक चम्मच मिर्ची को हम डाल देते हैं। नमक, तो देखिए दोस्तों नमक को एक चम्मच नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार नमक डालें। तो एक चम्मच नमक को हमने डाल दिया है, थोड़ा सा और नमक हम इसी में ऐड करेंगे, थोड़ा नमक और डाल दिया है हमने। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम मसालों को भून लेते हैं अच्छे से चला के। तो फिर देखिए दोस्तों मसालों की भी अच्छे से हमने फ्राई कर ली है, आप लोग देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ्राई हो गई है, एकदम मसालेदार। बट हम और थोड़ा चला लेते हैं अच्छे से, इस तरह से चला के अच्छे से हम और भून लेते हैं। दोस्तों सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, इतनी प्यारी प्यारी टेस्टी सब्जी बनी है मसाले के साथ एकदम, देखिए आप लोग देख रहे हैं। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हरी धनिया, इस तरह से हमने हरी धनिया को साफ कर लिया है पानी से, और अब हरी धनिया को हम डाल लेते हैं इस तरह से। हरी धनिया को हमने डाल दिया, ये दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी सब्जी है, और हरी धनिया के साथ कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है। एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके हमें लिख के बताएं कि हमने किस तरह से बनाई है, और अगली रेसिपी हम किस तरह से बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब वीडियो को करते हैं हम एंड। बाय।